स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज के इस वीडियो में। यहां पर शाम की जो भी खबरें उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए और वहां के जितने भी बच्चे हैं, और चाहे वो स्कूलों में पढ़ रहे हों या फिर कॉलेज में हो या फिर विश्वविद्यालय में हो, तो यहां पर सभी की जो है छुट्टियां कल घोषित हो चुकी है। यानी कि कल 23 तारीख, कल भी विद्यालय बंद रहेंगे। 22 तक का आदेश आपके सामने था और 23 का यह आदेश आप लोगों के सामने मैं अभी रख रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं पत्र सूचना शाखा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश, सोमवार 23 दिसंबर 2019 को राज्य के समस्त स्कूलों कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय में अवकाश घोषित। आगे आप देख सकते हैं लखनऊ दिनांक पड़ी हुई है 23 दिसंबर 2019, यानी कि आज के ही दिन का जारी किया हुआ लेटर। ये जारी दरअसल आज हो चुका है और ये कल के लिए 23 दिसंबर 2019 को छुट्टी रहेगी उसके संबंध में लिखा है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा। सोमवार 23 दिसंबर 2019 को राज्य के समस्त स्कूलों कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय में अवकाश घोषित किया गया है। तो ऐसा आप देख सकते हैं, यह जानकारी आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने दी है। तो राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि कल जो यानी कि 23 तारीख उस जो है आप लोगों का अवकाश रहेगा, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, हर जगह अवकाश घोषित है। तो छोटी सी खुशखबरी उत्तर प्रदेश के लिए। अब आगे आप लोग देखिए अपने ऑल इंडिया से जुड़ी हुई सभी की सभी जो जानकारियां जो खबरें हैं जो निकल के आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज शाम के इस वीडियो में। यहां पर सबसे पहले आप लोगों की छोटी सी खुशखबरी कि यहां पर जो हमारी बहनें थी जो बर्खास्त हो गई थी, तो बर्खास्त 9 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोर्ट से बहाल हो चुकी हैं। जी हां, जो पोषाहार चोरी का मामला बहनों पर लगा था उसी चीज को लेकर के बहनें कोर्ट गई और कोर्ट से वहां पर उनको जो है फैसला उनके पक्ष में आया। तो आइए देखते हैं, बताया जा रहा है सलोन के राधेश्याम पशु आहार भंडार पर छापे में पोषाहार बरामद होने के बाद सलोन और डी और जगतपुर और राही, ये जो ब्लॉक है इनमें जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार की जांच कराई गई थी। मामले में 12 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो है वो बेचारी पकड़ी गई थी और उसके बाद में उनको बर्खास्त कर दिया गया था। 9 कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि हाईकोर्ट से जो है बहाली का आदेश उपलब्ध कराया है, उन्हें जो है बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शरद कुमार त्रिपाठी है जिला कार्यक्रम अधिकारी, उनकी तरफ से ये उनका बयान। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर 12 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बर्खास्त हुई थी और यहां पर उनकी तरफ से ये बातें हैं कि सलोन में पकड़े गए पोषाहार के मामले में 12 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बर्खास्त हुए थे, जिनमें 9 को जो है यहां पर कह सकते हैं कि बहाली उनकी हो गई है। आगे आप लोगों से कहना चाहूंगा, सच्ची खबरें हैं, इनको अधिक से अधिक शेयर करें और उन बहनों को जो है शुभकामनाएं कि आप जो अगर अच्छे तरीके से कार्य कर रही थी तो इसी वजह से कोर्ट की वजह से आप जो है यहां पर आपके साथ अच्छा हुआ। यहां पर देख सकते हैं कि 760 आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वयं सहायता समूह बनाएंगे भोजन। बात यहां पर यह उठती है, यह आपका रायबरेली जिला पड़ता है, यह जानकारी के लिए रायबरेली से एक पोस्ट है, लेकिन समझने के लिए उत्तर प्रदेश की हर बहन समझ सकती है कि हार्ट कुक्ड योजना, जहां पर आप प्राथमिक विद्यालय के केंद्र के साथ में आंगनबाड़ी केंद्र जुड़े हुए हैं, तो वहां पर खाना वो बनाएंगे जहां पर आंगनबाड़ी भवन बहुत दूर है जो प्राथमिक विद्यालय से, तो ऐसे में खाना कौन बनाएगा, तो समस्या वहां की है और वहां पर अब जो है खाना स्वयं सहायता समूह के लोग वो लोग बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं प्रस्ताव जो है निदेशालय भेजा जा चुका है रायबरेली जिले के लिए। और एक बच्चे पर लोग पूछ रहे थे कितना खर्चा आएगा, 4.5 रुपए खर्चा, जिस चीज को लेकर के हमने जैसे ही लेटर निकला था आदेश हुआ था आप लोगों के सामने पूरा लेटर विभागी वाला लगा दिया गया था, वीडियो भी चैनल पर पड़ा होगा। इसीलिए कहता रहता हूं डेली के वीडियो पूरी की पूरी खबरें देखा करें ताकि हर एक खबर आप तक जो है आसानी से पहुंचती रहे। उम्मीद करता हूं वीडियो भी पसंद आएगा, आप सभी भाई बहन इसको जो है शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, वो अपनी कमेंट में राय भी देंगे। तो यहां पर जो चीजें हैं उनको आगे आगे देखते रहिए। ये चीज एक बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए खासकर कि 1 जनवरी को 18 साल के हो रहे हो तो जो बन सकते हैं मतदाता, यहां पर मैंने जल्दी जल्दी में सुबह आप लोगों को खबर दिखाई थी, कुछ डाटा था जो आप लोगों के बहुत काम का था, जरूरी था, वो मैं अब बताने जा रहा हूं। तो वोटर बनने का मौका अब 23 से फिर मिलेगा। अब यूपी में अगर देखा जाए वोटर कितने हैं लिस्ट के अनुसार, तो यहां पर यूपी की वोटर लिस्ट की बात कर ली जाए, 403 विधानसभा क्षेत्र है, 14 करोड़ 38 लाख जो है कुल वोटर हैं और 1000 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 847 महिला वोटर हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं मृत वाले, शिफ्टेड वाले और भी जो डुप्लीकेट वोटर हैं उनका क्या आंकड़ा है, तो 8,21,646 जो मृत लोग हैं और 11,13,800 जो है शिफ्टेड हो चुके हैं और 4,24,700
डुप्लीकेट वोटर अब तक हटाए गए हैं। तो ये आंकड़ा आपका है जो हटाया गया सिप्टेड और मृत डुप्लीकेट वगैरह का। आगे अब जब वोट बनेंगे जो 18 साल की एज पूरी कर रहे हैं मतदाता वगैरह की लिस्ट में, अब उनका नाम ऐड किया जाएगा। अब आगे अगला आंकड़ा आएगा जिसमें आप लोगों को बढ़कर के संख्या मिलने वाली है। तो आगे देखते हैं क्या क्या जानकारी जैसे निकलेंगे आपके सामने बता दूंगा। वहीं पर आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी वर्कर बताएंगी कि किस घर में है बिटिया। तो ये एक आंगनबाड़ी बहनों पर नया काम समझे, जिम्मेदारी समझे। ये बताया जा रहा है ये नीता अहिरवार वगैरह है, डिप्टी डायरेक्टर है दरअसल महिला कल्याण की। तो उनका दरअसल यहां पर कहना है बरेली वगैरह से है। तो आइए देख लेते हैं उनका कहना है कि कन्या सुमंगला योजना को लाभ देने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर सर्वे करेंगी। 31 दिसंबर तक सर्वे पूरा करना है। योजना से छूटी पात्र परिवारों की बेटियों का जो पंजीकरण है वो कराया जाएगा, उनको योजना का लाभ दिया जाएगा, कन्या सुमंगला योजना। अभी बहुत सी आंगनबाड़ी बहने ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अधिकारी हैं उनको खुद नहीं पता है कन्या सुमंगला योजना क्या है, इसमें क्या मिल रहा है। इसके बारे में अगर समझाने के लिए कह दिया जाएगा तो उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि जानकारी होनी बहुत जरूरी है। नीचे आप देख सकते हैं जैसा कि आप लोगों के लिए लिखा कि बरेली में लड़खड़ाती मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को रफ्तार देने में अब आंगनबाड़ी वर्कर खास भूमिका निभाएंगी। हर जगह जहां पर जरूरत पड़ती है आंगनबाड़ी को ही लगा दिया जाता है। जब इतना सरकार को पता है तो फिर आंगनबाड़ी जब लड़खड़ाती है तो उनके जो है देखरेख की जिम्मेदारी सरकार अपने कंधों पर क्यों नहीं लेती, क्यों सिर्फ जो है झूठे आश्वासन देकर के पेट भर दिया जाता है। सवाल ये मुख्यमंत्री के ऊपर है, सभी सरकारों पर है, हर एक राज्यों की सरकार अमूमन यही करती है, उनके ऊपर सभी के ऊपर ये एक प्रश्न चिन्ह है। आगे कहना चाहूंगा लिखा है नवजात से लेकर उच्च शिक्षा लेने वाली बिटिया का रिकॉर्ड जो है वो है तैयार करेंगी। सर्वे रिपोर्ट जिला कार्यक्रम को 31 दिसंबर तक सौंपनी होगी और आंगनबाड़ी वर्कर की रिपोर्ट के आधार पर पात्र परिवारों की बेटियों का कन्या सुमंगला योजना में पंजीकरण कराया जाएगा। उनको आर्थिक मदद भी दी जाएगी और साथ ही कन्या सुमंगला योजना में बेटी के पैदा होने से उच्च शिक्षा हासिल करने तक जो है 6 चरण में सरकार आर्थिक मदद देगी। योजना में पंजीकरण उम्मीद से काफी जो है वो काफी आगे आप देख सकते हैं लिखा है करीब 12,000 पंजीकरण ही अभी तक कन्या सुमंगला योजना में बेटियों के कराए जा सके हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही ने योजना को झटका दिया है। योजना का प्रचार प्रसार भी गरीबों तक नहीं पहुंच सका। पिछले महीने प्रमुख सचिव नवनीत जो आपके सहगल ने जो है समीक्षा के दौरान कन्या सुमंगला योजना में लड़कियों के पंजीकरण कम होने पर नाराजगी जताई थी। सीडीओ ने कन्या सुमंगला योजना में बेटियों का पंजीकरण बढ़ाने के लिए एक एक घर का सर्वे करने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी वर्कर को सौंप दी है। तो यह सब चीजें आंगनबाड़ी बहने डोर टू डोर जाए और इन चीजों को लेकर वो आगे बढ़ाएं, ये सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अब देखने की बात यह है कई जगह ऐसी भी पोस्टें आई कि कन्या सुमंगला योजना का फार्म कहीं फर्जी भरा है तो उसका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही जो ये लापरवाहियां सरकार बरत रही है। आगे आप लोगों के सामने जो मैं खबर लेकर के आया हूं वो कुछ ऐसी है चौंकाने वाली, यानी कि ऑपरेशन के बाद जच्चा के पेट में चिकित्सक भूला रुई। तो यहां पर बहुत सी ऐसी लापरवाहियां हैं जो बड़े स्तर पर बरती जाती हैं, खासकर बड़े बड़े हॉस्पिटलों वगैरह में। तो यहां पर ऐसा चीज ना हो, क्योंकि यहां पर किसी जान की जो है कीमत बहुत अनमोल होती है, उसे मैं बताना चाहता हूं। तो ऐसी लापरवाहियां अधिकारियों को नहीं बरतनी चाहिए। ये धामपुर वगैरह में ऐसा मामला देखने में आया है कि एक अस्पताल में एक जच्चा की जान पर बनाई। आरोप है कि चिकित्सक ऑपरेशन के बाद पेट में रुई तो निकालना भूल ही गया, वहीं एक अंग में टांका लगाना तक वो भूल गया है। महिला का पेट फूला और उसको तकलीफ होना शुरू हो गई तो उसे गंभीर हालत में मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सीटी स्कैन में इस बात का खुलासा हुआ है कि चिकित्सकों ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट भी जो है परिजनों को सौंपी है। खून से सनी रुई को अपने पास सुरक्षित रख लिया है और भूतपुरी के जो है जटपुरा महावतपुर वगैरह है निवासी रिजवाना पत्नी है हसन, 6 दिसंबर को धामपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनको और रिजवाना ने एक बच्ची को जन्म दिया। जन्म के देने के बाद भी जो है रिजवाना की हालत सुधरी नहीं। परिजनों का कहना है कि पेट लगातार फूलता गया, शिकायत चिकित्सक से की गई तो उन्होंने रिजवाना की ये समस्या जल्द ठीक हो जाएगी, पर जो है रिजवाना की हालत गंभीर होती रही। तो ये सब चीजें उनको आश्वासन मिलता रहा लेकिन हुआ कुछ नहीं। बाद में अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया गया तो ये चीजें सामने आई खुल करके। तो यहां पर डॉक्टरों ने जो है उसका ऑपरेशन कर पेट से वगैरह रुई भी बाद में निकाली है। तो ये चीजें आई जब सीटी स्कैन वगैरह पूरा किया गया। आगे आप देख सकते हैं मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा ऐसी लापरवाहियां किसी को नहीं बरतनी चाहिए अगर कोई स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। यहां पर देख सकते हैं गजब है, यानी कि 139 शिक्षा मित्रों की रिपोर्ट ही दबा गया विभाग। तो एक घोर लापरवाही आप देख सकते हैं शासन प्रशासन के स्तर से विभागों तक की, कैसे जो है कर्मचारियों को जो है परेशान किया जाता है। यहां पर 139 शिक्षा मित्र है, उनकी रिपोर्ट दबा दी गई, उनका मानदेय नहीं आया, उनका कहीं नामो निशान ही नहीं है। यहां तक आप देख सकते हैं लिखा हुआ है
कि आप देख सकते हैं कि लापरवाही बरतने और समय से उपस्थित की रिपोर्ट में भेजने में जो शिक्षा मित्रों को मानदेय समय से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यहां जिले स्तर के अधिकारी भी लापरवाही कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य परियोजना निदेशक को भेजी गई रिपोर्ट में 139 शिक्षा मित्रों की संख्या दबा दी गई, जिससे इन शिक्षा मित्रों को मिलने वाले मानदेय पर जो है विपरीत असर पड़ रहा है। बात यह है कि आजकल सब कुछ जो है अटेंडेंस के अनुसार हो रहा है, जाइए हाजिरी लगाइए और वो भी जो बायोमेट्रिक तरीके से, तो उसके बाद में आपका मानदेय आएगा, अगर नहीं लग रही है तो फिर आपका पैसा रुक जाएगा। ऐसे ही सब कुछ हो रहा है, लापरवाहियां बरती जा रही है। इसमें आंगनबाड़ी बहनें भी हमारी बहुत परेशान है कई जिलों में, वहां पर जहां पर सुपरवाइजर की नहीं बनती, क्योंकि बहुत सी बहनें ऐसी जो शोषण के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो उनके ऊपर के अधिकारी, उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो फिर जो काम कर रहे हैं धांधली वगैरह का, बंदर बांट का, तो वो उनका धीमा पड़ जाता है। तो ये सब चीजें हैं जिसके चलते बहनें हमारी तकलीफ तो उठाती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, उनके वहां की ब्लॉकों की सहयोगी बहनें, आप सब एकजुट होकर के अगर विरोध करेंगी तो आप सब मुट्ठी बनकर के आगे जाएंगी, तो कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आगे आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये हमारा SLR क्रिएशन चैनल है, आप लोग अगर चाहें उससे जुड़ना तो जुड़ सकते हैं। वहां पर ये आज एक और वीडियो डाला गया, डेली एक दो वीडियो डाले जाते हैं और ये वगैरह नई नई डिजाइन वगैरह की, अगर आप बहनें चाहती हैं ऐसे कुछ बनाना या सीखना तो हमारे चैनल से जुड़ सकती हैं, SLR क्रिएशन। नहीं पता है तो आप कमेंट में लिंक लिख करके मुझे भेजिए, मैं भेज दूंगा, या आप सर्च कर लीजिए SLR और क्रिएशंस। तो आगे मैं कहना चाहूंगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए था, और आगे भी एक मैं बात आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में अब सक्षम युवा बेरोजगार भी पढ़ाएंगे। अब हकीकत ये कहती है कि आज का समय ऐसा हो गया, सरकार गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही है, ना तो कोई नई नई योजनाएं निकाल करके ला रहे जिनमें जो है पदों का सृजन किया जाए और बेरोजगारों को जो है नौकरी दी जा सके, ऐसा सरकार को सिस्टम नहीं ला पा रही है। आगे मैं कहना चाहूंगा, हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पर तो पूरे देश में है, हरियाणा में अब क्या होगा कि प्राइमरी स्कूलों में बेरोजगार वगैरह जो युवा हैं वो पढ़ाएंगे। अब बेरोजगार कैसे हैं, सरकार ने उनको बना करके रखा, क्योंकि भर्ती नहीं आती, आती है तो कोर्ट चली जाती है, उनमें कहीं ये कहीं वो लगा दिया जाता है, ऊपर से नए जो आपके विभाग हैं विभागों को मर्ज सरकार कर रही है, तो विभाग ही खत्म होंगे तो पद तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, तो भर्ती कैसे आएगी, तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। तो इन चीजों को समझिए, अच्छा नेता वही है जो नया से नया एक विभाग का सृजन करे, लोगों को काम दे, रोजगार दे, उसमें लगाए, तभी कुछ विकास होगा। ऐसे खाली कोकट में जनता हमारी बैठी है, पूरा का पूरा बेरोजगार युवा घूम रहा है और इससे कुछ नहीं होता, देश जो है आर्थिक स्थिति उसकी जो है नीचे ही गिर रही है और वही हो रहा है। तो इन चीजों को मैं नहीं चाहता कि बढ़ावा मिले, और जो टीचर प्राइमरी का अध्यापक मेहनत करके पढ़ता है लिखता है वो जो है बनकर के आया और उसको पूरी सैलरी मिले, ऐसा नहीं कि बेरोजगार है तो उसको 5,000 रुपए दे दिया जाए, वो बेरोजगार क्यों है, उसको बनाया गया है। तो हकीकतें कुछ और हैं और सरकारें कुछ और दिखाती हैं, वो उनकी रहमदिली या दरियादिली नहीं होती है, वो उनकी जो गलतियां होती हैं उन पर पर्दा डालने के लिए वो लोग कहते हैं कि हम जो है बेरोजगारों को मौका देंगे पढ़ाने का। दरअसल बेरोजगार कोई नहीं है, पढ़ा लिखा वो इंसान है, तो पढ़ा लिखा बेरोजगार है इसका मतलब सरकार कुछ कर नहीं पा रही, नौकरी दे नहीं पा रही है, नए विभाग सृजन नहीं होते और जो विभाग है उनको भी आप खत्म कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा खेल बिगड़ रहा है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और जल्द ही आप लोगों को अगले वीडियो में मिलते हैं।